हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनुप सर। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 11। इस पहले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, थोड़ा सा समझना है। क्वेश्चन लंबा जा सकता है, 10 मिनट एक क्वेश्चन ले सकता है अपनी, बट कोशिश करेंगे कि पूरी बातें हम सीखें, तो भी बात छोड़े नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें क्या कर रहा है, द इनसाइड पेरीमीटर ऑफ ए रनिंग ट्रैक। आपके पास एक रनिंग ट्रैक है, इसके अंदर हमें कुछ नाम्स लिखने होंगे। मान लो यहाँ से मैं पॉइंट्स लेता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के पार्ट्स है ना। स्ट्रेट लाइन तो पता ही होगी, इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन है। अब इसके और इस पॉइंट्स के बीच में तो स्ट्रेट रहता है, और दोनों साइड पे हमारे पास क्या है, सेमी सर्कल्स है। अगर मैं नाम यहाँ से लिखूं, ए बी डी ई ई एफ जी एच, हमें कह रहा है कि इसका पेरीमीटर, तो अंदर भी देखो पेरीमीटर, इनसाइड पैरामीटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक बार पॉइंट अज्यूम कर लेता हूँ, पी क्यू, यहाँ पे ले लेते हैं आर, यहाँ पे ले लेते हैं एस। अब देखो इनसाइड पैरामीटर क्या कहना चाहता है, इसका मतलब समझाता हूँ तुम्हारे को। इनसाइड पैरामीटर के अंदर बच्चा पार्टी यहाँ पे आएगा, ई एफ प्लस आर्क की लेंथ एफ क्यू सी, ये जो आर्क है इसकी लेंथ, प्लस सी डी प्लस लेंथ ऑफ द आर्क डी पी ई, इस आर्क की लेंथ, इनका सम हमें 400 मीटर की बना। हमें ध्यान रखना है कि इस साइड में दो सेमी सर्कल बन रहे हैं, तो एक बड़े वाला सेमी सर्कल है, उसकी डायमीटर ए एच है। ये क्या है, डायमीटर। मैं यहाँ पे आपको डायमीटर्स बता रहा हूँ, कौन कौन से डायमीटर्स हमें मिल सकती हैं। और छोटे वाला जो सेमी सर्कल है इस साइड में, जिसकी डायमीटर है डी ई, डायमीटर गिवन होगी तो रेडियस निकालनी होगी। एक को मैं समझाऊंगा, इधर वाले पॉइंट पे मैं एक्स ले लेता हूँ, और इस पॉइंट यहाँ पे इसका मिड पॉइंट वाई ले लेता हूँ, एफ सी का, कि डायमीटर तो रेडियस दिएगी ना, इसलिए। सिमिलरली ए एच किसके इक्वल है, बी जी डायमीटर के इक्वल है, बिकॉज दिस इज द लेंथ ऑफ द ब्रिथ ऑफ द रेक्टेंगल, ए बी जी एच इज द रेक्टेंगल। नाउ सिमिलरली डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। अब हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। लेंथ ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रेट पोर्शन, तो ऑब्वियसली ए बी स्ट्रेट है, डी सी स्ट्रेट है, ई एफ स्ट्रेट है, और एच जी स्ट्रेप है, स्ट्रेट है, इन सब की लेंथ है 90, एंड द एंड्स आर सेमी सर्कल्स, समझा दिए मैंने आपको। द ट्रैक इज एवरीवेयर 14 मीटर वाइड, मतलब वाइडनेस 14 है, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ई एच की वैल्यू 14 है, एफ जी की वैल्यू भी 14 है, बी सी की वैल्यू भी 14 है, और ए डी की वैल्यू भी क्या है, 14। अब ये बातें हमें दे रखी हैं, एरिया ऑफ ट्रैक पूछ रहा है, और लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग पोर्शन, आउटर रनिंग में तो ए बी बी एस जी डी एच और एच आर ए, इन सब की लेंथ निकालनी है, सर्कमफेरेंसेज हैं। तो ये जो दो सर्कल सेमी सर्कल्स हैं, इनकी रेडियस सेम है भाई, अरे डी ई डायमीटर है ना इनकी, एक की डायमीटर डी ई है, एक की डायमीटर सी एफ है, और डी ई इक्वल सी एफ है, तो डायमीटर सेम होने पर रेडियस भी सेम होती होगी। तो हमारे को ई एफ गिवन है 90, देख लो ये भी 90, भी 90 बच्चा, ये भी कितना होगा 90, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 90 प्लस 90, तो मैंने ई एफ और सी डी की वैल्यू रख दी। प्लस देखो एफ क्यू सी सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस है, और डी पी ऑल्सो सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस है, दोनों को मिला के पूरा एक सर्कल बन जाएगा, तो आप लिखेंगे 2 पाई, आर कितना है पता नहीं, तो आर ही रख लेते हैं। सी डी डायमीटर तो पता चल रही है तुम्हारे को, डी ई रेडियस तो नहीं पता ना दोनों की, पर दोनों की रेडियस को क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, डी एक्स, अंदर वालों को इसके इक्वल है सी वाई के, और बाहर वाला है उसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट, बाहर वाला सेमी सर्कल उसकी डायमीटर क्या हो जाए, रेडियस क्या हो जाएगी, ए एक्स, डायमीटर क्या है ए एच जी, ए एच और बी जी इक्वल्स टू 400 है बच्चा, ये 90 प्लस 90 180, 2 इंटू 22 बाय 7 इन आर प्लस टू 400 माइनस 180, यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस किया तो आया 220 इंटू 7 डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू 22, देखो 22 से नंबर 10 टाइम कटेगा, 2 से नंबर 5 टाइम, तो आंसर आ गया 5 इंटू 7 दैट इज 35 सेंटीमीटर। एक काम तो हो गया, रेडियस आ गई 35, मतलब डी से एक्स, ई से ई, डी से एक्स 5 आया है, ये 5 आए हैं दोनों। अब तुम्हारे को बाहर वाले की रेडियस चाहिए, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कैपिटल आर की वैल्यू ए डी प्लस डी एक्स रह जाएगी, ए डी तुम्हारे को गिवन है 14 प्लस 5 नहीं आई, 35 है ना, 14 प्लस 35 कितना हो गया बच्चा पार्टी, 40,
बस इतनी लेंथ चाहिए तुम्हारे को, बाकी सारा क्वेश्चन तुम, पहले तुम्हें एरिया निकालना है। तो एरिया समझो, ट्रैक का एरिया कैसे आएगा, इस पोर्शन का एरिया प्लस इस पोर्शन का एरिया प्लस इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन, चारों पोर्शंस के एरिया निकालना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रैक फर्स्ट। देखो ये एरिया ऑफ ट्रैक कैसे निकला होगा, ए आर एच जो आपका ये पूरा पोर्शन, ये दिख रहा है पूरा पोर्शन, इस पोर्शन के एरिया में से इस पोर्शन का एरिया हटा दिया तुम लोगों ने, जितना इधर है उतना ही इधर रहेगा, राइट साइड में रहेगा तुम्हारे, तो हम इसका एरिया का डबल कर देंगे। इसका एरिया कैसे निकला होगा, पहले रेक्टेंगल की बात करूँ तो एरिया को और इस एरिया को प्लस कर टाइम कर लूँ, एरिया ऑफ ए बी सी डी, दोनों का एरिया सेम है, रेक्टेंगल इतना दोनों 90 40 90 40, प्लस टू टाइम ऑफ एरिया ऑफ ए आर एच, इस पूरे का एरिया टू टाइम, इधर वाला और इधर वाला, में से इसको भी और इसको माइनस करना है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस टू टाइम ऑफ एरिया ई पी ई। अब देखो इसकी रेडियस कैपिटल आर है और इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस आई है 49 और इसकी रेडियस आई है 35। अब इसको सोल्व करना है तो 2 इंटू एरिया आएगा 90 इंटू 40 प्लस, सेमी सर्कल है तो मैं इसको एरिया निकालने के लिए हाफ पाई आर स्क्वायर मतलब 49 इंटू 49 लिख सकता हूँ भाई, माइनस 2 इंटू हाफ इंटू 22/7, रेडियस कितनी है 5 इंटू, समझ लो भाई क्वेश्चन तो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, मैंने पहले ही कह दिया था स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि थोड़ी सी समझने वाली लाइनें ज्यादा हैं ना। 7 से 49 कटेगा 7 टाइम, 7 से 35 कटेगा, से नंबर 2 कट गया, इधर भी 2 से 2 कट, 90 इंटू 40 इंटू 2 कर लेते हैं डायरेक्ट, 2 इंटू 90 इंटू 14 आंसर आ गया 2520 प्लस, में 22 इंटू 7 इंटू 49 करना है, 22 इंटू 7 इंटू 49 तो आंसर आ रहा है 7540 माइनस 22 इंटू 5 इंटू, आंसर आ गया 3850। सबको माइनस प्लस कर लेते हैं, 2520 प्लस 7546 माइनस 3850 आंसर आ रहा है भाई साहब 6260 मीटर। ये हमारा एरिया ऑफ द ट्रैक, तो हमारे को लेंथ ऑफ द आउटर रनिंग पार्ट ट्रैक पूछ रहा है, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ आउटर रनिंग ट्रैक कैसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस एच जी दोनों 90 90 प्लस आर की लेंथ बी एस जी प्लस ए आर एच, इन दोनों की डायमीटर सेम है रेडियस भी सेम, ये दोनों भी सेम है 90 प्लस 90 180 हो गया इन दोनों का, तो हाफ हाफ है तो कंप्लीट सर्कल बनाएंगे तो 2 पाई आर बनाएंगे भाई, रेडियस कितनी है 49 तो यह आ गया 7। अब इसको सोल्व कर लो, 180 प्लस 44 को 7 से मल्टीप्लाई किया 308 आया, 308 को 180 में ऐड कर देते हैं तो आंसर आ गया 488 सेंट, ये तुम्हारा आंसर हो गया, बस ऊपर कर देता हूँ अब समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन बोल सकते बहुत, तो बट कुछ बातें समझ में आ गई तब तो बहुत ईजी है, ऑब्वियसली 9 मिनट अपने को इस क्वेश्चन को करने में लगी जिसमें थोड़ा सा जल्दी समझाया, क्योंकि मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट तुम्हें पता है कि जब दो चीज़ें बनी हुई हों भाई साहब सुनो, अब ये एक आपके पास सेमी सर्कल है और इसके अंदर एक सेमी सर्कल है, इसका एरिया निकालना है तो क्या करना होगा, बाहर वाले सेमी सर्कल के में से अंदर वाला सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना होगा, वही काम मैंने यहाँ पे किया है ठीक है। अब दो क्यों लगाया, क्योंकि दोनों साइड में था ना, टू टू टाइम इधर भी था और इधर भी था, तो टू टाइम बड़े वाले का एरिया माइनस टू टाइम छोटे वाले का एरिया, तो हमारा क्वेश्चन हो गया ठीक है, ये समझना जरूरी है। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वीडियो थोड़े छोटे बनेंगे भाई, किसी प्रॉब्लम आ रही है वीडियो लेट आ रहे हैं इसीलिए, ज़्यादा बड़ा बनाने पे ऑडियो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, एक दो वीडियो देखिए कैप्चर नहीं हो पा रहा है, मैंने 40 मिनट यार तो नहीं, ऐसा करते हैं बच्चों के लिए करते तो कुछ है ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर इन द स्क्वायर सेंटीमीटर, देखो ई सी 10 है और बी सी 10 है, तो मैं अगर इधर वाली लाइन को ज्वाइन करूंगा तो ये भी 10 आएगी क्या, मतलब ये स्क्वायर बन रहा है और ये भी क्या आएगी 10 आएगी, ये तो स्क्वायर है, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सीधी बात है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर हो गया, कर सकते हैं अपन।
ना हमारे को सेडेड की बात कर रहा है, तो इस पोर्शन की बात कर रहा है, तो आपको स्क्वायर के रेक्टेंगल में से ट्राइंगल हटा दो और इस सेमी सर्कल का एरिया ऐड कर दो। तो एरिया ऑफ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेता हूँ पहले मैं, ए यहाँ पे ई लिख लेते हैं, ई डी क्या लिखोगे, हाफ इंटू 6 इंटू 8, 6 3 से 3 टाइम, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना होगा तुम्हारे को, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या लिखोगे भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर लिखेंगे 10 स्क्वायर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। और अब देखो इस सेमी सर्कल का एरिया निकालना है, तो डायमीटर बताओ पहले सेमी सर्कल क्या लग रही है तुम्हारे को, क्या तुम्हें डायमीटर बी सी लग रही है, है 10, रेडियस चाहिए कि अपने को तो एरिया निकालने के लिए, तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर अपॉन 2, 10/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पूरा ऐसे लिखते हैं, विथ डायमीटर या हुज डायमीटर, डायमीटर बी सी हो तो आप लिखेंगे हाफ पाई आर स्क्वायर, तो 10/2 लिख दूँ या 5 लिख देते हैं डायरेक्ट, 5 इंटू 5, 5 स्क्वायर, 2 से नंबर 11 टाइम कटेगा, तो आंसर आएगा 11 इंटू 25/7। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, लोग अपने अकॉर्डिंग करना भाई साहब, 275/7 आंसर आ रहा है 39.2857 आ रहा है, तो क्या मैं इसको 39.29 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, क्योंकि इस 5 के अकॉर्डिंग इसमें प्लस हो जाता है। नाउ मैं एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालना है, तो एरिया ऑफ सेडेड रीजन कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ द सेडेड रीजन इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में माइनस करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडी, और प्लस करना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ए लाइन समझ में आ रही है भाई सबको, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहाँ पे निकाल लेते हैं, स्क्वायर का एरिया आया 100, एरिया ऑफ ट्राइंगल आया 24 प्लस 39.29, तो सोल्व करते हैं 100 माइनस 24, 26 प्लस 39.29, आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12। चलो 13 भी कर लेते हैं, सेम ही है 115, 13 भी सेम ही है, फिर बाकी के बाद में कर लेते हैं। 13 देखो, इन्हें फिगर फ्रॉम अ रेक्टेंगल रीजन, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ए बी 20 है तो ए बी 20, राइट एंगल है ए डी, ए 9 है और डी ई 12 है, कट ऑफ हटा दिया, अदर एंड पे बी सी एज ए डायमीटर लेकर हमने सेमी सर्कल ऐड कर दिया, आउटसाइड किया है दिख रहा है, इसका और इसका एरिया कंबाइन निकालना है शेडेड रीजन। तो अब दिक्कत क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की बेस और हाइट तो दे रखी है बट हाइपोटेन्यूस नहीं दे रखी, ए डी आएगा तभी बी सी आएगा और बी सी आएगा तभी हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इन ट्राइंगल ए डी ई, क्या निकालोगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई कर देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, आप लिखेंगे ए डी स्क्वायर की वैल्यू किसके, ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के इक्वल, ए डी पता नहीं है हमारे को, ई कितना है 12 स्क्वायर और ए कितना है 9 स्क्वायर, 144 प्लस 81 क्या आ गया बच्चा पार्टी, 22, ए डी की वैल्यू क्या आ गई रूट में 5, दैट इज 50 मीटर। अगर ए डी 15 है तो सी भी कितना रहा होगा 50। अब तो मेरे को एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालना है, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूं बच्चा एरिया ऑफ सेडेड रीजन, बोलूंगा पूरी लाइन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप लिखेंगे 20 इंटू माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, तो हाफ इंटू 9 इंटू 12, सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, हाफ पाई आर स्क्वायर, 15/2 इंटू 15/2 लिख। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो इस 2 से 11 कट गया और इस 2 से नंबर 6 टाइम कटा, अप्रोक्सीमेट लगभग अगर मैं बात करूं तो ये तो आएगा 300 माइनस 9 6 जा 54 प्लस 11 इंटू 25 डिवाइड बाय 7 2 जा 14 2 जा 28। अब सोल्व करना है, तो 300 माइनस 54 कर लूँ, 46 आ जाएगा ना,
246 आ गया, सही है। प्लस इसको सोल्व करते हैं, डेसिमल में आएगा 11 इंटू 25 डिवाइड बाई 7 जा रहा है भाई वापस से 39.29। अब इसको प्लस कर लो, 246 प्लस 39 प्लस 29 285.59। गलत हो गया, 20 × 5300 ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 9 × 6 = 54 ठीक है, और हाफ पाई आर स्क्वायर बाई 2 AD 5। ओहो 25 लिख दिया, 225 आएगा, सॉरी भाई साहब ये 39.25 नहीं आएगा, गलत कर दिया अपन ने, यहाँ पे 25 गलत लिख दिया, मैंने 225 लिखना चाहिए, हाँ सॉरी बच्चा पार्टी। 11 इंटू 225 डिवाइड बाय 28 अब सही आ जाएगा, 88.9 आ रहा है, अब प्लस कर लो साथ 246 के साथ 88.39, तब आंसर आ जाएगा 334.39 सेंटीमीटर, अब सही है। तो हमारे पास तीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए आज, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय बेटा।